सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। फाइनली निकल पड़े हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह 5 बजे छोड़ने तो मेरे को कौन आएगा, इसलिए मैं अकेला ही निकल चुका हूँ पैदल। 20 मिनट में मैं आसानी से पहुँच जाऊँगा क्योंकि पास में ही हमारे रेलवे स्टेशन सूर्य प्लाजा मार्केट। यहाँ पर किसी टाइम मेरी शॉप हुआ करती थी, यानी आज से 8 साल पहले। सुबह के 5 बजे और अभी भी नींद आ रही है क्योंकि रात को मैं लेट सोया था एडिटिंग वगैरह करके। तो अभी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन भी 5 से 10 मिनट लेट है अभी भी, फिर भी देखते हैं कब तक जोधपुर। मेरे ख्याल से 10 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। फाइनली इंतज़ार खत्म हुआ, ट्रेन आ चुकी है, तो अभी हम निकलते हैं जोधपुर की ओर, फिर आके देखते हैं वहाँ पर। फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से और मैं तो आप कीजिए टाइमलेस इन्जॉय में टाइमलेस पे लगा दिया है और सुबह 10 बजे के आसपास हम जोधपुर पहुँच जाएंगे। तो और हम अब लाडनो से निकल रहे हैं क्योंकि लाडनो यहाँ पे भी ट्रेन रुकती है और अब लाडनो के बाद डीडवाना आएगा, लेकिन मुझे भी नींद लेना है। सुबह सुबह का मौसम आप देख सकते हो कितना प्यारा है और ये नदी कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का। और आप सामने देख सकते हो ये डूंगरी है, ये मेरे ख्याल से रेवंत जी महाराज का मंदिर है इस डूंगरी के ऊपर। कंफर्म पता नहीं है लेकिन शायद तक जो मैं सोच रहा हूँ वही है ये। अब जैसे ही मैं नींद लेके उठा तो सामने राय का बाग स्टेशन आ गया, यानी हम जोधपुर के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा स्टेशन है लेकिन यहाँ पर भी ट्रेन रुकती है, लेकिन फाइनली हम जोधपुर पहुंच चुके हैं और नज़ारा बहुत ही अच्छा है, मौसम भी अच्छा हो रखा है, बारिश भी लगी हुई है बाहर, लेकिन इतनी धूप नहीं है तो इन्जॉय करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरी ट्रेन अभी आधे घंटे बाद ही है यहाँ से, तो मुझे भी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। नज़ारा बहुत ही अच्छा है जोधपुर रेलवे स्टेशन का। फाइनली जोधपुर पहुँच चुके हैं और अभी वाइफ आने वाली है, अभी ट्रेन लेट है तो देखते हैं, और अभी यहाँ से वापस निकलना है 5 से 10 मिनट के अंदर ही। रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते ही तिरंगा झंडा इतना अच्छा लहरा रहा है कि देखते ही मन अच्छा हो गया एकदम। और ये देखिए जोधपुर का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ये पंखा, इतना बड़ा है और इतनी अच्छी हवा दे रहा है, और जो कलाकारी है वो तो आपसे छुपाई हुई नहीं छुप सकती। फाइनली पहुँच चुके हैं जोधपुर सिटी और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन कभी और आएंगे। अगर आपने कमेंट में बोला आने के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर, आपको जोधपुर की हर चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो लेट हो रहा है, 5 से 10 मिनट ही बचा है सिर्फ, वापस ट्रेन है अभी मेरी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि फाइनली मैं सो गया था और अभी जाके वापस उठा हुआ हूँ। वाइफ को लेके आ गया और अभी तो घर आने में ज़्यादा देर नहीं, घर पहुँच गया हूँ सुल्तानगढ़ की तरफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।